हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @श्री एजुकेशन लिख कर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और वहां से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 21 दिसंबर के करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया गया था। सबसे पहले हम वो टेस्ट का आंसर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 22 दिसंबर के करंट अफेयर्स। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हमारे चैनल पर आपको डेली सुबह 5 बजे करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। और ये जो करंट अफेयर हैं वो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपका मैक्सिमम स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी कवर किया जा रहा है। तो कल का आपका टेस्ट है कि किसे पीटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। तो उनका नाम है सोनम कपूर, जिन्हें हाल ही में पीटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था बी, और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग काफी स्टूडेंट ने सही दिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे 22 दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज भी लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज का सबसे पहला करंट अफेयर है कि किसे भारतीय महिला क्रिकेट का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है WB रमन। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे ये है WB रमन, जिन्हें हाल ही में हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच चुने जा रहे थे तब दो व्यक्तियों को इसके लिए चुना गया था। एक तो थे WB रमन और दूसरे थे गैरी क्रिस्टलन, पर जिसमें से WB रमन को मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और आपको पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें गैरी क्रिस्टलन के बारे में, आपके नॉलेज के लिए मैं बताती हूँ। देखिये, जो गैरी क्रिस्टलन है ये दक्षिण अफ्रीका के कोच हैं, और जो गैरी क्रिस्टलन है ये हमारी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच रह चुके हैं पहले। अब सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए WB रमन, इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको नोट करनी होगी। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो WB रमन है ये इससे पहले हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर थे ये, और इन्होंने हमारे भारत के लिए 11 टेस्ट मैच खेले हैं और 27 ODI यानी कि वन डे क्रिकेट मैच खेले हैं। और जो WB रमन है ये रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु, बंगाल और भारतीय U19 क्रिकेट टीम के भी कोच रह चुके हैं। और जो WB रमन है ये प्रेजेंट में हमारी क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में बैटिंग कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इतनी इम्पोर्टेंट बातें आपको WB रमन के बारे में नोट करनी थी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में रीवा गांगुली दास को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो रीवा गांगुली दास, इन्हें हाल ही में बांग्लादेश में हमारी भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये है रीवा गांगुली दास। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब रीवा गांगुली दास नियुक्त नहीं हुई थी, यानी कि इनसे पहले बांग्लादेश में हमारे भारतीय उच्चायुक्त कौन थे, तो उनका नाम था हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला के बारे में हमने कल करंट अफेयर पढ़ा था, तब आप लोगों को बताया गया था कि जो हर्षवर्धन श्रृंगला है ये अमेरिका में हाल ही में हमारे भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। अब आपको नोट करनी होगी कुछ इम्पोर्टेंट बातें रीवा गांगुली दास के बारे में। देखिए, जो रीवा गांगुली दास हैं ये प्रेजेंट में इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिलेशन की DG हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं। और ये 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा अफसर भी हैं। अब क्योंकि रीवा गांगुली दास ये बांग्लादेश में हमारे भारत की उच्चायुक्त नियुक्त हुई है, तो बांग्लादेश के बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें नोट करनी होगी। देखिए, यहाँ पर जो मार्ग है यहाँ पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका। और बांग्लादेश के प्रेजिडेंट हैं अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। इतनी इम्पोर्टेंट बातें आपको बांग्लादेश के बारे में नोट करनी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है आज का, भारत और किस देश ने सांस्कृतिक एवं पीपल टू पीपल एक्सचेंज बैठक ऑर्गेनाइज की है। तो उस देश का नाम है चीन। हाल ही में हमारे भारत ने और चाइना ने मिलकर सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल एक्सचेंज बैठक ऑर्गेनाइज की है। और आपको यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नोट करनी होगी कि जो हमारा भारत और चाइना है ये पहली बार पीपल टू पीपल एक्सचेंज बैठक ऑर्गेनाइज कर रहा है।
और ये बैठक कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी? तो ये बैठक न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी, और इस बैठक में हमारे भारत की तरफ से किन्होंने पार्टिसिपेट किया था? तो हमारी जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है सुषमा स्वराज, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और चाइना की तरफ से जो उनके विदेश मंत्री जिनका नाम है वांग यी, उन्होंने इस बैठक में पार्टिसिपेट किया था। और ये बैठक क्यों ऑर्गेनाइज की गई थी? तो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो रहा है कि हमारे भारत और चाइना के बीच में सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए इस बैठक को ऑर्गेनाइज किया गया था। अब क्योंकि ये बैठक चाइना के साथ ऑर्गेनाइज की गई थी, तो चाइना के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करनी होगी। देखिए यहाँ पर जो मार्डिंग यहाँ पर है चाइना, या कहें चीन, चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रिनमिनबी, और चीन के प्रेजिडेंट हैं शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है आज का, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने MHIS-4 नामक स्वास्थ्य योजना शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है मेघालय। हाल ही में मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने, मेघालय के चीफ मिनिस्टर का नाम भी आपको पता नहीं चाहिए, तो उनका नाम है कोनराड संगमा, जिन्होंने हाल ही में MHIS यानी कि मेघालय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम 4 नामक एक स्वास्थ्य योजना शुरू की है। और देखिए ये जो योजना शुरू की गई है, इसका मर्जर किया गया है हमारी जो आयुष्मान भारत योजना है उसके साथ। और इस स्वास्थ्य योजना को क्यों शुरू किया गया, इसका लक्ष्य क्या है? तो इस स्वास्थ्य योजना के तहत क्या होगा कि 2300 से अधिक परिवारों को मेडिकल और सर्जिकल पैकेज दिए जाएंगे, और इसके तहत हर फैमिली को लगभग 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। अब क्योंकि ये जो योजना है ये मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा ने शुरू की है, तो मेघालय के बारे में आप लोग नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर जो मार्ड एरिया है, यहाँ पर है मेघालय, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, मेघालय के चीफ मिनिस्टर है कोनराड संगमा, पता लग गया आपको, और मेघालय के गवर्नर है तथागत रॉय, और मेघालय के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीटें हैं 1, और विधानसभा की सीटें हैं 60। और मेघालय का फोक डांस आपको पता होना चाहिए, तो मेघालय का फोक डांस या फिर कहीं लोक नृत्य वो है बांग्ला, और मेघालय का जो नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान वो है नोकरेक नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आपका, इन्फोसिस ने CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो इन्फोसिस कंपनी ने हाल ही में अपने CFO के रूप में निलंजन रॉय को नियुक्त किया है, और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे ये है निलंजन रॉय। और ये भी पता होना चाहिए कि निलंजन रॉय से पहले इन्फोसिस के CFO कौन थे? तो उनका नाम था जयेश संघराज, और जो जयेश संघराज है अब इन्हें इन्फोसिस कंपनी के डिप्टी CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बना दिया गया, और जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो निलंजन रॉय को बना दिया गया। निलंजन रॉय, इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये नोट करनी होगी कि जो निलंजन रॉय हैं ये प्रेजेंट में भारतीय एयरटेल लिमिटेड ग्लोबल के CFO हैं। इन्फोसिस कंपनी के बारे में भी आपको पता चाहिए। देखिए इन्फोसिस लिमिटेड, इसकी स्थापना 7 जुलाई 1981 में हुई है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके चेयरमैन है उनका नाम है नंदन निलेकनी, और इसके जो MD और CEO है यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनका नाम है सलील एस पारिख। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका, PHPL की नींव कौन रखेंगे? सबसे पहले तो आपको PHPL इसकी फुल फॉर्म मैं बताऊंगी, उसके बाद आप लोगों को ये करंट अफेयर समझ आएगा। देखिए PHPL इसकी फुल फॉर्म होती है पैरादीप हैदराबाद पाइपलाइन प्रोडक्ट। ये एक योजना शुरू की गई है, और इस योजना की नींव किसने रखी है आपको बताना है। तो इसकी नींव रखी है नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने हाल ही में पैरादीप हैदराबाद पाइपलाइन प्रोडक्ट लिमिटेड योजना की नींव रखी है। और इस योजना को कब शुरू किया जाएगा? तो इस योजना को 24 दिसंबर 2018 में शुरू किया जाएगा। और इस PHPL योजना का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इस योजना का निर्माण भारतीय तेल निगम लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। तब आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें भारतीय तेल निगम लिमिटेड या फिर कहें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में पता होना चाहिए, जिसकी स्थापना 1964 में हुई है, और इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है संजीव सिंह, और इसके जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका कि टाइम मैगजीन के द्वारा जारी 25 प्रतिभाशील छात्रों की सूची में हमारे भारतीय मूल के कितने छात्र शामिल हैं? तो इस लिस्ट में हमारे भारतीय मूल के 3 छात्र शामिल हैं। इन 3 लोगों के नाम आपको पता होना चाहिए। तो पहले हैं काव्या कोपारू, जो कि हमारे भारत के हैं पर अमेरिका में पढ़ते हैं, और दूसरे हैं ऋषभ जैन, और तीसरे हैं अमिका जॉर्ज। इन 3 स्टूडेंट्स को इस लिस्ट में जारी किया गया है। और
अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता नहीं, टाइम मैगजीन्स के बारे में। देखिए जो टाइम मैगजीन है ये अमेरिका की मैगजीन है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो टाइम मैगजीन की स्थापना 1923 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नितिन गडकरी ने किस राज्य में 9,533 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी है? तो 9,533 करोड़ रुपए की जो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी गई है, ये अरुणाचल प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई है। किसने रखी है? नितिन गडकरी ने रखी है। नितिन गडकरी कौन है ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो नितिन गडकरी ये हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री हैं। और देखिए इन परियोजनाओं की आधारशिला कहाँ पर रखी गई, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर रोइंग में इन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई और इन कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया है रोइंग में। देखिए इस परियोजना को क्यों शुरू किया गया ये आपको पता चाहिए। तो इस परियोजना के शुरू होने से क्या होगा कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में संचार सुविधा को और ज्यादा बढ़ाया जा सकेगा, इसलिए इस परियोजना की आधारशिला रखी गई है नितिन गडकरी के द्वारा। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको नितिन गडकरी के बारे में पता होना चाहिए कि ये हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। अब क्योंकि इन परियोजनाओं की आधारशिला अरुणाचल प्रदेश में रखी गई है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में नोट कीजिए। लेकिन यहाँ पर जो मार्ग है यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल है इसकी ईटानगर, चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू और गवर्नर है बीडी मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीटें 1 और विधानसभा की सीटें 7। और अरुणाचल प्रदेश का जो फोक डांस है यानी कि लोक नृत्य वो है भारतोच्छांग। और अरुणाचल प्रदेश का जो नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान वो है नामदफा नेशनल पार्क। नेक्स्ट करंट अफेयर आज का कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कौन सी संरक्षण परियोजना शुरू की है? तो हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एशियाई शेर नामक एक संरक्षण परियोजना शुरू की है। और इस परियोजना के तहत क्या होगा कि जो एशियाई शेर हैं जिनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है उनके संरक्षण के लिए कार्य किया जाएगा। और इस परियोजना के तहत क्या होगा कि एशियाई शेरों की संख्या को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा और इनके जो प्राकृतिक आवास होते हैं उनमें भी सुधार किया जाएगा। और जो एशियाई शेरों को बीमारी लग जाती है तो उन रोगों को ख़त्म करने के लिए इनके लिए स्वास्थ्य सुविधा भी दी जाएगी। अब यहाँ पर एशियाई शेरों की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि जो एशियाई शेर हैं ये मुख्य रूप से हमारे भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये मुख्य रूप से भारत के अंदर गुजरात में पाए जाते हैं। और देखिए ये परियोजना क्यों शुरू की गई, तो हाल ही में एक IUCN इसने अपनी रेड लिस्ट जारी की है जिसमें एशियाई शेरों को संकटग्रस्त जीवों की सूची में रखा गया है। और IUCN इसकी फुल फॉर्म आपको पता नहीं चाहिए तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब यहाँ पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का नाम आया है तो इनके मंत्री का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारे जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि चाय कृषकों के खाते में 2500 रुपये जमा किए जाएंगे? तो ये घोषणा की है असम सरकार ने। हाल ही में असम सरकार ने ये घोषणा की है कि जो असम के चाय बागानों में लेबर होते हैं उनके खातों में लगभग 2500 यानी कि 2500 रुपये जमा किए जाएंगे। अब क्योंकि ये घोषणा असम सरकार ने की है तो असम के बारे में नोट कीजिए। यहाँ पर है असम, असम की कैपिटल है दिसपुर, असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंदा सोनोवाल और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की सीटें 7, विधानसभा की सीटें 126। और असम का जो फोक डांस है यानी कि लोक नृत्य वो है बिहू। और असम का जो नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि मैंने आपको बार बार कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, 9 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने किस बैंक के 8 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है? तो वो बैंक है PNB, पंजाब नेशनल बैंक के 8 ऑफिसर अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। किस लिए गिरफ्तार किया गया? तो 9 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में CBI ने PNB बैंक के 8 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। देखिए जो PNB बैंक की ये 8 अधिकारी हैं इन्होंने 9 करोड़ रुपए तक के फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किए थे। हम यहाँ पर आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो PNB बैंक के बारे में पता होना चाहिए और CBI के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले CBI, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना इसकी 1941 में हुई है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो डायरेक्टर हैं इंटरिम डायरेक्टर उनका नाम है M. नागेश्वर राव, जो कि हाल ही में आप लोगों को पढ़ाए गए थे इनके बारे में। और जो CBI के स्पेशल डायरेक्टर हैं उनका नाम है राकेश अस्थाना।
पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना हुई है 19 मई 1894 में और इसके जो सीईओ है उनका नाम है सुनील मेहता, सीईओ का नाम इम्पोर्टेंट है, और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है, और इसके जो फाउंडर है उनका नाम है लाला लाजपत राय और दयाल सिंह इसके फाउंडर्स हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर आपका, ग्रामीण युवकों के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो जो ग्रामीण युवक है उनके विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब देखिए इस समझौता ज्ञापन से क्या होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के युवक हैं उन्हें नौकरी दी जाएगी और उन्हें उनमें से 5,000 युवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, इसलिए ये समझौता किया गया। अब हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ये समझौता किया है तो हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री का नाम आपको बताना चाहिए, तो उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड इसकी स्थापना 1981 में हुई है और इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है संजय गांधी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन है यानी कि अध्यक्ष जो है उनका नाम है आर सी भार्गव और इसके जो MD और CEO है उनका नाम है केनिची अयुकावा। इतनी इम्पोर्टेंट बात है आपको मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स ये थे आपके 22 दिसंबर के करंट अफेयर्स और जैसे कि स्टार्टिंग में आप लोगों को कहा गया था कि लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, तो आपका आज का क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान किस राज्य में शुरू किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इन चार ऑप्शन में से उस राज्य का नाम बताना है आपको और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा और साथ ही में आपको ये भी बताना है कि इस संस्थान का नाम क्या है। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि 23 दिसंबर के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।